तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द IIT JAM फिजिक्स 2022। ठीक है, यानी कि IIT JAM 2022 का आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसेसेस करें, क्या क्या प्रोसेसेस में होता है, राइट। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एक भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर गलती से कोई मिस्टेक अभी हो गई ना एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर, तो बाद में इवन आफ्टर आपकी रैंक आ जाए आपको एडमिशन टाइम पर बहुत हैवी इश्यूज होने वाले हैं। ओके, तो मतलब आपको कोई भी गलती फॉर्म भरते वक्त नहीं करनी है। इसीलिए हम आपके लिए स्पेशली एक्सपीरियंस के साथ फॉर्म कैसे फिलअप करना है इस चीज को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट आएगी कैसे। अगर आप गूगल करते हैं IIT JAM 2022, देन जो भी आपका फर्स्ट लिंक आएगा यही आपको ओपन कर देना है। और जैसे ही ये लिंक ओपन होता है, इस पेज पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है IIT JAM 2022 की, ओके, जो कि IIT रुड़की ऑर्गेनाइज करा रहा है, राइट। यहां पर आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, चाहे वो आपकी कोई भी गाइडलाइंस हो, या फिर आपका इंफॉर्मेशन ब्रोशर हो, या फिर आपकी एलिजिबिलिटी, या फिर बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स ही क्यों ना हो, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर लिस्ट वाइज देख भी सकते हैं। ठीक है, एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये फॉर्म भरना कैसे है। देखो, राइट साइड कॉर्नर पर JAM 2022 अप्लाई ऑनलाइन ऐसा करके एक बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने एक नई विंडो खुल जाती है। ठीक है, अब इस विंडो में क्या सीन है, दो ऑप्शन है भाई साहब। देखो, या तो आप न्यू यूजर हो, या तो आपने रजिस्टर कर चुके हो और अब लॉगिन करना है सीधा। चलो मान लो किसी बच्चे ने अब तक रजिस्टर भी नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं आपको बताता हूँ रजिस्टर कैसे करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ क्लिक करना है न्यू यूजर। ठीक है, रजिस्टर हेयर न्यू यूजर, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको फिलअप करना होता है। ठीक है, चाहे आपका नाम हो, ईमेल एड्रेस हो, या फिर आपका मोबाइल नंबर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रजिस्टर करना कैसे है वो सारा स्टार्ट करते हैं। चलो मान लो आपके बार हम क्या कर रहे हैं, आपके बार हम रोहित शर्मा को IIT JAM का एग्जामिनेशन दिलाएंगे। ठीक है, रोहित शर्मा। ठीक है, अब आप देख सकते हो नेम ऑफ कैंडिडेट में कंफर्म्ड आ रहा है कि रोहित शर्मा ये नाम है। ठीक है, ओके जी, चलो ठीक है। अब डालते हैं ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपको बहुत सोच समझ कर ही डालना है, किसी भी तरीके की आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहीं पर आने वाली है। ओके, तो गाइस कोई भी मिस्टेक ना करें, और चलिए अब ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस डालते हैं। चलिए जी, rohit101@gmail.com। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है, यानी कि जो ईमेल एड्रेस आपने ऊपर लिखा है उसी को कंफर्म करने के लिए दोबारा टाइप करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ये इसीलिए है ताकि गलती से मिस्टेक हो भी गई हो तो आपको अभी दिख जाए। ठीक है, दोबारा लिखते हैं, रोहित शर्मा द बेस्ट 101@gmail.com। ठीक है, अब चलिए जी आगे चलते हैं, आगे डालते हैं हम मोबाइल नंबर। ठीक है, आगे अपन डालते हैं मोबाइल नंबर, किसी भी तरीके की गलती अपने को नहीं करनी है। अब अपन मोबाइल नंबर डालते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर में मैं फिलअप करता हूं क्या, 90219918983 17। ठीक है, 8317। एक बार मोबाइल नंबर को भी कंफर्म कर लेते हैं दोबारा, 90219918983 17 8317। गाइस ये आपको अच्छे तरीके से फिलअप करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अब अपन पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड भाई साहब कुछ ऐसा डालना जो आप भूलो ना, ठीक है, ताकि जब भी आपका रिजल्ट आए या फिर कोई भी आपको प्रोसीजर फॉलो करना हो तो ये पासवर्ड की आपको जरूरत पड़ने वाली है।
तो एक ऐसा पासवर्ड रखना जिसको आप याद रख पाओ आसानी से, ठीक है। चलिए जी पासवर्ड डालते हैं, ठीक है जी पासवर्ड डाल दिया है। अब इसी पासवर्ड को दोबारा डालते हैं, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड के ऑप्शन में, ठीक है डाल दिया जी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आपसे एक कैप्चा का टाइप का आया है। यहां पर आपको 5-0 = ऐसा नहीं लिखना है, आप आईटी जैम का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। यहां पर 5-0 ये क्या चीज होगी, इक्वल टू क्या आएगा, वो चीज आपको लिखनी है। बेसिकली 5-0 5 आता है तो अपन यहां पर 5 लिखेंगे, ठीक है 5 लिखेंगे। अब अपन यहां क्या आते हैं, डिक्लेम ईयर आपके सामने है, इस सारी की सारी एक बार आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। अब उसके बाद आई एग्री, यानी कि आई एग्री की जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाली है ये सही है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने वेरीफाई भी करा है, कुछ गलती मिस्टेक इसमें नहीं, ठीक है, ये चीज यहां पर लिखी हुई है, राइट। यहां पर बेसिकली डिक्लेमियर आपके सामने है, आई एग्री पर आपको क्लिक करना है एंड सबमिट फॉर्म पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, राइट। अब आप यहां पर देख भी सकते हैं, राइट, अब आप यहां पर देख भी सकते हैं, यहां पर आ रहा है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर जैम 2022, एन ईमेल एंड एसएमएस कंटेनिंग योर एनरोलमेंट आईडी हैज बीन सेंट टू यू, यानी कि आपके फोन और आपके ईमेल एड्रेस दोनों ही पे ये इंफॉर्मेशन आपकी आई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा का सीधा वो ईमेल आईडी डालनी है और आपने जो पासवर्ड भरा था वो डाल देना, ठीक है। ईमेल आईडी क्या थी अपनी, रोहित शर्मा द बेस्ट 101@gmail.com, ठीक है। अब यहीं पर अपना पासवर्ड भी हमने कुछ भरा था, ठीक है जी डाल दिया। अब 8-0 क्या होता है, 8+1 8+0 क्या होता है 8, तो सिंपली इसको भर देंगे एंड इसको यहां पर सबमिट कर देंगे, ओके। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा आ रहा है कि प्लीज एंश्योर दैट यू हैव गॉन थ्रू ऑल द जैम 2022 एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ओके। चलिए जी, ओके, जैम 2022 प्रोसीड करते हैं आगे, राइट। अब जैसे ही ये एक नई विंडो आपको दोबारा खोल देगा, ठीक है, यहां पर आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए जी हम दोबारा वहीं पर आते हैं, अब अपना आगे प्रोसीड करते हैं। हमने अब रजिस्टर तो कर लिया, ठीक है, अब हमने रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कर लिया, अब देखते हैं फॉर्म को भरना कैसे है। अब सबसे पहले तो यहां पर आपके सामने दो चीजें आ रही, ठीक है, वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड वेरीफाई ईमेल एड्रेस, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना ये करे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस करते हैं वेरीफाई। अब ये क्या दिखा रहा है, एक ओटीपी भेजा है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर एज वेल एज आपकी ईमेल आईडी पर, ठीक है। चलिए जी, ईमेल आईडी मेरे पास खुली हुई है, इसमें जो एनरोलमेंट आईडी आया है, ठीक है, एनरोलमेंट आईडी इसमें आया है, साथ ही साथ इसमें एक ओटीपी भी आया है। चलिए जी ओटीपी को भरते हैं, ओटीपी क्या है, 32A, राइट, और आगे क्या है, 8B6, ठीक है जी, वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। चलिए जी, ईमेल आईडी अब अपनी हो गई है वेरीफाई, यानी कि ईमेल आईडी अपनी अब वेरीफाई हो चुकी है, ओके। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को वेरीफाई करना है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। अब चलिए देखते हैं कि जो हमने मोबाइल नंबर वहां पर डाला था उस पर भी एक ओटीपी आया होगा, ठीक है, एनरोलमेंट आईडी आई होगी और उसके साथ एक ओटीपी भी आया होगा, वो ओटीपी क्या है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है, वो ओटीपी क्या है वो अपन एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ओके। चलिए जी भरते, ओटीपी क्या है, अब हमारा ओटीपी आया, चलो ओटीपी भरते, ठीक है, ओटीपी क्या आया, 4C20 20D, ठीक है, ये अपना ओटीपी आया है, ओके। अब वेरीफाई पर अपन क्लिक कर देते हैं, वेरीफाई। चलिए अब आपके सामने क्या आ गया है, मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी दोनों ही क्या हो गई है, अब वेरीफाई हो गई है। अब आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, यानी कि अब आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से भरना स्टार्ट करना है। चलिए जी इस पर क्लिक करते हैं, ओके, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आपने इस पर क्लिक करा आपके सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, आपको कौन सा एग्जामिनेशन देना है, कौन कौन से पेपर्स आपको देने हैं, एक ही पेपर देना है,
फिर टू पेपर देने हैं, एग्जामिनेशन की सिटी क्या होगी, राइट, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी चीजें आपको डाल देनी है, राइट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और एक भी इंफॉर्मेशन आपको गलत नहीं करनी, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि हाँ जी एक ही पेपर देना, अच्छे से देना है, एक ही देना, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा पेपर चूज कर रहे हैं जी, हम फिजिक्स का देंगे, ठीक है, कंटिन्यू फिजिक्स, ठीक है। अब अपने को डालना है चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, चलिए जी इसमें डाल, अब इसमें बहुत सारे जोन्स, इसमें बहुत सारे आपके जोन्स दिए हुए हैं, चलिए जी कोई भी डाल देते हैं, चलो आईआईटी दिल्ली के हिसाब से डालते हैं, हम डाल देते हैं गुड़गांव डालते हैं, ठीक है, गुड़गांव डालते हैं दूसरे नंबर पर, अब यहीं पे कोई आसपास डालते हैं, ठीक है। अब आप सिर्फ इन्हीं में से, अब बेसिकली आपको क्या करना है, एक जोन चूज कर, ठीक है, अब जो भी आपने फर्स्ट सेंटर चूज करा ना, वो आपका एक जोन फिक्स हो जाएगा, अब उसी जोन के अंदर वाले आपको चुनने, जो कि लॉजिकली सही भी है, राइट। अब चलो दूसरा मान लेते हैं, आप हिसार भर देते हैं, ठीक है, तीसरा अपन कहाँ भर देते हैं, तीसरा एग्जामिनेशन सेंटर अपन भर देते हैं, चलिए पूना भर देते हैं, ठीक है, ओके जी। अब नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई, ठीक है, कुछ तो हमने नाम ये सब चीजें भर दी थी, हमारी आप देख सकते हैं कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों ही क्या हो गया है, दोनों ही वेरीफाई भी हो गए हैं। साथ ही साथ गाइस मैं आपको बता देता हूं, यहां पर डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीजें भी आपको भरनी है, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ पर आते हैं, डेट ऑफ बर्थ चलिए जी भर देते हैं 5 अगस्त 19, कितनी डालने बताओ, तो कुछ भी रैंडम नंबर एक डाल देते हैं, ओके कंटिन्यू, बेसिकली आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है, उसके बाद आपको चूज करना है जेंडर, राइट, फिर उसके बाद नेशनैलिटी, अब भाई इंडियन हो, मोस्ट ऑफ द पीपल इंडियन ही होंगे, राइट, फॉरेन को शायद ही समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, चलिए इंडियन या फिर अदर्स आपको क्लिक करना है, ओके, फिर आपको आईडी प्रूफ चुनना है, एक आईडी प्रूफ आपको चुनना है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, आधार कार्ड, कॉलेज का आईडी, या फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, बहुत सारे आपके साथ ऑप्शन है, तो चलिए जी आधार कार्ड ही डाल देते हैं, ठीक है। अब आधार कार्ड 12 डिजिट्स का होता है, आपको पता है, चलो लिख देते हैं 12 डिजिट्स यहाँ पर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3, ठीक है, 12 डिजिट्स यहाँ पर अपने भर दिया है। अब चलिए जी आप नीचे कैटेगरी भरते हैं, अब कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज गिवन है, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पर साथ ही साथ गाइडलाइंस फॉर EWS OBC SC ST यहाँ पर एक ऑप्शन गिवन है, ठीक है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं इसके रिगार्डिंग भी आप इस बटन पर क्लिक करके आगे समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक करा, एक नई विंडो हमारे सामने खुल गई, यहाँ पर सारी की सारी आपके सामने इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद ही प्रोसीड करना है। चलो मान लीजिए जनरल की बजाय हम किसी ओबीसी या EWS इनमें से किसी एक का ऐसी भर दे, चलो ओबीसी का भर, ठीक है। अब मैंने कर दिया ओबीसी पर क्लिक, अब ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या कैटेगरी फॉर्म भरना होगा, सबमिट करना होगा, वो सब भी अपन अभी देखेंगे, ठीक है। अगर आप सिंपल जनरल भरते तो कोई दिक्कत की बात थी ही नहीं, आपको कुछ सबमिट ही नहीं करना पड़ता, ओके। चलिए जी ओबीसी एनसीएल हम लेके चले हैं, अब पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कैटेगरी में क्या आप आते हैं, आते हैं तो यस भरें, नहीं आते हैं तो नो भरें, ओके। एंड कैंडिडेट्स विद सिमिलर लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि किसी तरीके की आपको लर्निंग एबिलिटी है, स्पेशली एबल हो आप, कुछ आप में बेसिकली नॉर्मल स्टूडेंट से कुछ अलग हो, आपको कोई पास मेडिकल सर्टिफिकेट है किसी चीज का, एक प्रूफ, तो आप यहाँ पर यस भी भर सकते हैं अगर ऐसा केस है तो, ठीक है, इन जनरल नो ही रहेगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, नेम ऑफ पेरेंट, पेरेंट्स का भर दो या फिर किसी गार्जियन का भर दो, ये लीड डाल, ठीक है, क्या डालें, दोबारा रोहित ही डाल देते, ठीक है, राइट, आप अपने हिसाब से डाल देना जो भी नाम, यहाँ पर तो जस्ट मैं आपको फॉर्म फिलअप करना ही सिखा रहा हूँ। अब नीचे आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट्स, अपना नहीं, मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट्स ही देना है यहाँ पर आप, चलिए जी कुछ भी लिख देते हैं, 7015771955 कुछ भी लिख दो, एनी 10 डिजिट, ओके। इसके नीचे क्या आता है, एड्रेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस, एड्रेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस यानी कि आपको अपना घरेलू एड्रेस भरना है, ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पर आप एड्रेस भर देंगे, कुछ भी लिख दीजिए जी,
फुल एड्रेस लिखना आपको बेसिकली, ठीक है, हाउस नंबर ये, दिस कॉलोनी, दिस सेक्टर, ठीक है, फिर ये शहर है, इस डिस्ट्रिक्ट में आता है, एंड ये पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको सिटी या टाउन भी चुन लेना है, ठीक है। जैसे मैं चुनता हूँ बहादुरगढ़, ठीक है, बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ का पिन कोड भी मुझे पता है 124507, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट है जी झज्जर, झज्जर, ठीक है। अब झज्जर कहाँ पे है, हरियाणा में, ठीक है जी। कंट्री इंडिया, ठीक है, प्राउड इंडिया, ठीक है जी, ये सारा एड्रेस हमने भर दिया है, ओके। अब नीचे आते हैं, ये चीजें देखो, स्टार मार्क तो आपको खाली छोड़ना ही नहीं है, जहां जहां स्टार मार्क है वो कंपलसरी है, वो आपको छोड़ना ही नहीं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, ठीक है। अब डिग्री चुनते हैं, क्वालिफाइंग डिग्री आपकी कौन सी है, बीएससी है, जैसे कि हम फिजिक्स का भर रहे हैं अभी, ठीक है, तो उसके लिए हम भरेंगे बीएससी, ठीक है, बीएससी, राइट, ओके। बीएससी में डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, क्या आप ऑनर्स के हैं, क्या आपने फिजिक्स ऑनर्स करी है, या फिर आपने पास कोर्स करा है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में, ऐसे भी एक बीएससी होती है, ठीक है। चलो तो डालते हैं ऑनर्स, फिर पास कोर्स डालते हैं, राइट, ओके। अब नीचे चलते हैं, हैव यू ग्रेजुएटेड इन द अबव डिग्री, यानी कि क्या आप अभी फाइनल ईयर में हैं, या फिर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और अगले साल पेपर दे रहे हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर। चलिए मान लीजिए कोई फाइनल स्टूडेंट ईयर, ठीक है, कोई थर्ड ईयर में अभी है, वो अपना एग्जामिनेशन देगा, चलिए जी उसके लिए देखते हैं, हैव यू ग्रेजुएटेड, नो, ओके, सेलेक्ट द ईयर इन विच यू विल कंप्लीट द प्रोग्राम। अब भाई थर्ड ईयर में है तो ग्रेजुएशन कब मिलेगी उसको, कब मिलेगी ग्रेजुएशन, कब मिलेगी, बेसिकली उसको ग्रेजुएशन 2022 में मिलेगी, चलो मान लो, ऐसा मान लो 2022 में वो ग्रेजुएट होगा, ओके, राइट, चलो जी मान लेते हैं। अब एड्रेस ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें आपको डाल देनी है, यूनिवर्सिटी नेम, टाउन, उसका पिन कोड, ये सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन भर देनी, ओके, राइट, आई होप ये चीज आपको समझ आ ही रही होगी, ओके। तो मान लो कॉलेज नेम आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, सम एक्स वाई जेड, अभी मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आपको अपने कॉलेज का नाम ही यहाँ पर फिलअप करना है, आपको अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का ही नाम यहाँ पर फिलअप करना है। अब वो उसका सिटी लिखना आपको, कि आपका वो कॉलेज कहाँ पर है, किस सिटी में या फिर किस टाउन के अंदर। चलो मान लीजिए मैं दोबारा यहाँ पर बहादुरगढ़ ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब नीचे कॉलेज का पिन कोड, यानी कि आपका जो कॉलेज है वो किस एरिया में है, वहां का क्या पिन कोड है, वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। पिन कोड भी बहादुरगढ़ का वही रहेगा 124507, अभी चेंज तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेट या फिर किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में ये आता है वो चुनना, ये हरियाणा में आता है, ठीक है। आपको बेसिकली अपने कॉलेज का एड्रेस यहाँ पर लिखना है आसान शब्दों में, ठीक है, ओके। ऊपर वाली चीजें तो मैंने आपको बता ही दी। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कॉलेज किस कंट्री में, इंडिया में है या अदर्स में, इंडिया में, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपके सामने दो प्यारे प्यारे ऑप्शन, ठीक है, एक तो है जी फोटोग्राफ अपलोड करने का, एक ऑप्शन आपके पास सिग्नेचर अपलोड करने का, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपको किस फॉर्मेट का, किस साइज का, किस रेजोल्यूशन का आपको इमेज यहाँ पर डालना है, राइट, इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, राइट, ओके। तो अभी के लिए मानते हैं कि आपको ये इंफॉर्मेशन पता है और आप यहाँ से सीधा का सीधा फोटोग्राफ चूज करते हैं, ये मान लीजिए आप फोटोग्राफ यहाँ पर चूज कर रहे हैं, ओके, राइट। अब इसको अपन क्या करते हैं, क्रॉप करते हैं, रोहित शर्मा को अपन क्रॉप करते हैं, जैसे ही आप इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको एक रेड साइन दिखा रहा है, इसका मतलब ये साइज या फिर ये पिक्सल्स करेक्ट नहीं है, ये माने नहीं जाएंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसको एडजस्ट करिए सच दैट कि ये ग्रीन साइन यहाँ पर आ जाए, ये एप्लीकेबल हो जाए, राइट, ये चीज आपको यहाँ पर करनी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेशो, ठीक है, ये रेशो अभी एक्सेप्टेबल है, यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया, इमेज इज परफेक्ट टू अपलोड, ठीक है। तो आपको देखो रोहित शर्मा सही सही भी आ रहे हैं इसमें, ओके। तो चलिए जी डन क्रॉपिंग दबा देते हैं एंड यहाँ पर अपलोड इमेज, ओके, ठीक ठाक दिख रही है, रोहित शर्मा सही दिख रहे हैं, अपलोड इमेज यहाँ पर दबा देते, ठीक है, साफ साफ आपका मर्द फोटो रोहित शर्मा जी का आ गया। अब इनका सिग्नेचर भी डाल देते हैं इसी तरीके से, सिग्नेचर भी इनका यहाँ पर अपन ओपन कर देते हैं,
जैसे ही इनका सिग्नेचर ओपन करते हैं, यहाँ पर अपन देखो इतना तो ये क्या दिखा रहा है कि इज परफेक्ट टू अपलोड, चलो ठीक है, तो अपना सेलेक्ट हो ही गया, नहीं तो इसको भी अपन एडजस्ट कर सकते थे, राइट। चलो जी डन क्रॉपिंग, ओके अपलोड इमेज। चलो जी अब यहाँ क्या दिखा रहा है, साइज ऑफ द सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 5 KB to 150 KB, ओके। अब इसका क्या मतलब है, ये जो स्पेसिफिकेशन थे उसके अकॉर्डिंग ये इमेज नहीं थी। चलिए जी दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दोबारा एक बार कोशिश करते हैं, ओके। अब की बार अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका साइज हल्का सा बड़ा, हल्का सा इसका साइज बड़ा रखते हैं। अभी तक क्या दिखा रहा है, इमेजेस परफेक्ट टू अपलोड, इमेजेस परफेक्ट टू अपलोड। चलिए जी अब ट्राई करके देखते हैं, ओके अब ट्राई करके देखते हैं, अब क्या हो गया, ये इमेज एक्सेप्ट हो गई, यानी कि जो भी कंडीशन थी अब ये फॉलो हो गई और ये आपका सिग्नेचर और फोटो यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको देना है आई एक्सेप्ट, ओके एक बार इसको पढ़ना और आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द जैम 2022। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैम पोस्टर, इंटरनेट सर्च, सोशल नेटवर्क, यूनिवर्सिटी न्यूज, या फिर बहुत सारे ऑप्शन। चलिए जी अदर्स पर क्लिक करते हैं, वहां से पता चला वो यहाँ पर फिलअप कर देते हैं by IFAS, ठीक है। चलिए जी अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेव एंड अपडेट, ठीक है, सेव एंड अपडेट, ओके। चलिए जी सेव हो गया हमारा अच्छे तरीके से, अब हम इसको देख सकते हैं कि अपन ने क्या क्या भरा था, ठीक है, और चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं, ओके राइट। अब दोबारा आई एक्सेप्ट पर क्लिक करें, राइट, एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर चले जाए, या फिर आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओके, प्रोसीड टू पेमेंट, राइट। और अगर आप कंफर्म नहीं है, एक बार आप चाहते हैं कि मैं सेव करूं और एक बार देख लूं कि मैंने क्या क्या चीजें भरी हैं, वो तो आप यहां से भी देख ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी प्रोसीड टू पेमेंट पर अपन चले जाते हैं। ये पूछ रहा है जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है क्या वो सभी सही है, राइट, ऑल दिस डिटेल्स इज आस्क्ड। चलिए जी कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, हाँ जी हम बिल्कुल श्योर, ओके ओके जी, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ये चीज आ गई है। अब यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, नेम ऑफ द कैंडिडेट दिखा रहा है, उसके कोरिस्पोंडिंग जो भी हमने डिटेल्स भरी हैं, जो भी हमने रजिस्ट्रेशन करा था उसके रिगार्डिंग एनरोलमेंट आईडी भी यहाँ पर आपको फिलअप बेसिकली गिवन है, पर यही एनरोलमेंट आईडी आपके ईमेल और आपके फोन पर भी आ चुकी है एज वेरीफाइड बाय मी ओटीपी पर, राइट। एप्लीकेशन फी अमाउंट, एक अगर टेस्ट एक ही आप देंगे, जैसे मैं फिजिक्स का ही दे रहा हूँ, राइट, यहाँ पर रोहित शर्मा जी आईटी जैम फिजिक्स का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ओके, तो 1500 उनकी फीस है। अब यहाँ से आपसे पूछता है, यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिए, अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो यूपीआई से कर सकते हैं, अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सारी की सारी चीजें एक्सेप्टेड हैं, ओके, मतलब पेमेंट में किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर 9 - 4 = कितना होता है, 5 होता है, कितना, ओके, प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू पेमेंट, राइट, ओके। अब यहाँ पर सिमिलरली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपन क्या करते हैं, अपन चूज करते हैं यूपीआई को, अपन चूज करते हैं किसको, यूपीआई को, राइट, यूपीआई को। अब यूपीआई पर क्लिक करते आपके सामने ये सारी की सारी आपकी डिटेल्स आ गई हैं। एक बार भाई साहब दोबारा कंफर्म करना, देखना कि हाँ ठीक ठाक है, नहीं हो तो अभी कैंसिल कर देना, कंफर्म मत करना, फीस अभी पेमेंट मत करना, वो अभी भी जाकर चेंज करा जा सकता है, ओके, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्यूआर कोड पर क्लिक कर देना है, क्यूआर कोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्यूआर कोड पर क्लिक करते हो आपके सामने एक क्यूआर कोड आ जाएगा, ओके, राइट राइट। तो बेसिकली अभी यहाँ पर दिखा रहा है ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम, चलो SBI है, ओके, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्यूआर कोड भी जनरेट नहीं हो पा रहा, लीजिए एक बार रिट्राई करके देखते हैं, ओके ओके, ठीक है। तो बेसिकली अभी यहाँ पर क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं हो रही है, नहीं तो आप बड़े ही इजीली जस्ट एक अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर कोई भी चीज यूज कर सीधा का सीधा स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं फटाक से, ओके। तो बेसिकली इस तरीके से आपको अपना पेमेंट प्रोसीजर करना है, सारा का सारा आपका फॉर्म कुछ इस सीक्वेंस में इस तरीके से भरना है, राइट। तो बेसिकली अभी आपको पता चल गया है कि कैसे क्या क्या चीजें आपको भरनी है, राइट राइट। अब जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, पेमेंट प्रोसीड कर देते हैं,
सक्सेसफुल पेमेंट के बाद आपके पास आता है कि आपकी अब एप्लीकेशन फीस अलोंग विद द फीस एक्सेप्ट हो गई है, राइट। इस मैसेज के बाद आपका कंफर्मेशन होगा। थैंक यू सो मच गाइस। कुछ इस तरीके से आपको आपका ये आईटी जैम 2022 का फॉर्म भरना होता है, राइट। गाइस मैं दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत ना होने दें, ध्यान से अच्छे तरीके से सारी की सारी इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।